हेलो एवरीवन, दिस इज बिंदेश्वरी वारे। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट। देखते हैं कि वाटर सेट मैनेजमेंट होता क्या है। सॉइल, वाटर और वेजिटेबल के तीन महत्वपूर्ण प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं। चूंकि ये तीनों रिसोर्सेस एक दूसरे से डिपेंड हैं, इसलिए इनका इफेक्टिव रूप से मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है। किसी पर्टिकुलर भौगोलिक जगह में सॉइल और वाटर रिसोर्स का अच्छी तरह प्रयोग करके सस्टेनेबल प्रोडक्शन लेने तथा फूड को मिनिमाइज करने की प्रक्रिया को वाटर सेट मैनेजमेंट कहते हैं। वाटर सेट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को, वाटर सेट वह स्थानिक क्षेत्र है जहां बारिश के द्वारा प्राप्त रन ऑफ वाटर को कलेक्ट करके एक कॉमन जगह पर ड्रेन किया जाता है, लाइक ए रिवर, खाड़ी या कोई भी वाटर बॉडी। यह वह जियोलॉजिकल एवं हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है जहां पर पानी एक कॉमन आउटलेट जैसे पाइप या होल से बाहर बहता है। यह यूनिट उन सभी लैंड को कवर करता है जहां के पानी को एक कॉमन पॉइंट पर लगाकर स्टोर किया जाता है। वाटर सेट मैनेजमेंट के क्लासिफिकेशन को साइट के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट होता है माइक्रो वाटर सेट। इसकी जो साइज होती है वो कुछ हेक्टेयर से लेकर जो है 100 से 200 हेक्टेयर भी हो सकता है। इन्हें क्रॉप फील्ड के अंदर ही बनाया जा सकता है। एंड सेकेंड होता है स्मॉल वाटर सेट, ये कुछ हजार हेक्टेयर साइज तक के होते हैं। एंड थर्ड होता है लार्ज वाटर सेट, नदी के किनारे को लार्ज वाटर सेट के रूप में देखा जा सकता है। वाटर सेट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, देखते हैं। लैंड की कैपेबिलिटी के अनुसार उसका बेस्ट यूज करना, सॉइल के टॉप लेवल की फर्टिलिटी बनाए रखता है, जलाशयों के अवसादन को रोकना, वनस्पतिक आवरण की साल भर सुरक्षा करना, रेन वाटर का उसके प्राकृतिक स्थिति में कंजर्व करना, नालों का स्थिरीकरण करना एवं छोटे छोटे डैम बनाना ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, इंटरक्रॉपिंग एवं अनुक्रम क्रॉपिंग करके क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाना, सप्लीमेंट्री इरिगेशन के लिए वाटर हार्वेस्टिंग करना एंड इकोसिस्टम की निरंतरता को बनाए रखना, पोल्ट्री फार्मिंग करके फार्म की इनकम को बढ़ाना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने में हेल्प करना, फार्मर के सोशल और इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने में हेल्प करता है। वाटर सेट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन करना जिससे अवसादन या सॉइल इरोजन कंट्रोल हो और फ्लड से बचाव हो सके, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना जिससे कॉमन पीपल के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा के उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, कॉमन पीपल के फैसिलिटीज जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, इरिगेशन वाटर, सूखे और बाढ़ से बचाव की फैसिलिटीज प्रदान करना, ये सभी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वाटर सेट मैनेजमेंट के।